एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मशरूम उगाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा यूट्यूब चैनल डीपी गार्डनिंग में। आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को मशरूम कैसे उगाते हैं उसका बारे में आज पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन है ऑल वाला नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। ये जो धान का जो पैरा है इसको मैंने 1.5 फीट लंबाई नाप कर इसको काट लेता हूँ। मेरे को जितना बंडल की ज़रूरत है उसी हिसाब से मैं इसको काट लेता हूँ। एक मशरूम बीज के लिए कम से कम 22 से 24 बंडल की ज़रूरत होता है, उसी हिसाब से मैं काट लेता हूँ। इसका जो निचले हिस्से के जो पैरा है बराबर नहीं है, इसको बराबर करने के लिए मैं इसको काट देता हूँ। जब भी आप मशरूम के जो बीज उगाते हैं तो ये जो पैरा है इसका दोनों साइड बराबर होने चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। फिर इसको मेरे को 8 से 10 घंटे के लिए मेरे को पानी में डूबा कर रखना है ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाएगा। ये भीग जाने के बाद फिर मेरे को 4-5 घंटा के लिए इसको पानी से निकल कर बाहर रखना पड़ेगा ताकि इसमें से अच्छे से पानी निकल जाए, जो एक्स्ट्रा पानी है और निकल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें ज़्यादा पानी रहेगा फिर भी आपका जो मशरूम है वो उगेगा नहीं। अभी मेरे को जितना बंडल की ज़रूरत है उसी हिसाब से मैंने इसको काट लिया हूँ। अब इसको मेरे को भिगाना पड़ेगा और भिगाने के लिए मेरे को कुछ चूना भी इसमें डालना पड़ेगा। ये चूना को मैं पानी के साथ कुछ मिक्स करके इसमें डाल देता हूँ। अभी ये जो पैरा है इसको मेरे को 7-8 घंटा के लिए पानी में पूरी तरह से डूबो कर रखना है ताकि ये अच्छे से भीग जाए, पानी जितना ऑब्जर्व करना है ऑब्जर्व कर लेगा। फिर से वो अच्छी तरह से भीग जाने के बाद मेरे को 5-6 घंटा के लिए इसको फिर बाहर निकल कर रखना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और इसमें जो चूना हम देते हैं इसका कारण ये है जो मेरा जो पैरा है अच्छी तरह से शुद्ध हो जाए। इसको मैंने 5-6 घंटा पहले निकल कर रख दिया था, जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें से निकल गया है, अभी इसमें से पानी नहीं टपक रहा है। यह अभी पूरी तरह से परफेक्ट हो गया है जो मशरूम का बेड में इसको डालने के लिए। अभी ये जो कांच का बोतल में ये देख रहे हैं ये मशरूम का बीज है, ये बोतल को अभी तोड़कर इसको निकालना है। मैं अभी इसको तोड़ देता हूँ। तोड़ने के बाद ये बोतल का मुंह में कुछ कॉटन है, इसको अभी निकाल कर ले लेता हूँ। लेने के बाद इसमें जो टुकड़े हुए कांच, छोटे छोटे टुकड़े कांच का टुकड़े इसमें जो चिपक कर रह जाता है इसको ये कॉटन के जरिए मैंने साफ़ कर देता हूँ। इसको अगर साफ़ नहीं करूँगा तो ये मेरे को चोट पहुँचा सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। ये जो मशरूम का बीज है इसको गेहूँ से बनाया जाता है, एक्चुअली मशरूम का कोई बीज नहीं होता है। ये जो स्पॉन है इसको गेहूँ में कल्चर डाल के इसमें प्रोडक्ट किया जाता है। अभी मेरे को बेड बनाना है। ये जो कुछ सीमेंट का टुकड़ा है इसके ऊपर मैं बम्बू डाल के ये मशरूम का बेड बना लेता हूँ। आपके पास अगर ईंट होगा तो ईंट डालकर आप बेड बना सकते हैं, ईंट के ऊपर बम्बू डालकर इस तरह से। ये नीचे थोड़ा गैप रहना चाहिए ताकि एयर पास करने के लिए हमको थोड़ा गैप रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक एक करके बंडल मैंने इसके ऊपर अभी डाल लेता हूँ और इसमें जो ये जो बांधा हुआ रहता है इसको मैं निकाल कर अलग कर देता हूँ। ये देखिए ये जो बंडल है इसको इस तरफ मैंने एक बंडल रखा था, ये बंडल को मैंने दूसरी तरफ करके रखा हूँ ताकि जितने भी बंडल मैं डालूँगा हर बंडल एक दूसरे के उल्टे करके रखना है इस तरफ, फिर और एक बंडल डालूँगा
इसका उल्टा करके मैं डालूँगा इसमें। ये बंडल का मैंने इस तरफ करके रखूँगा उल्टा करके। अब मैंने 3 बंडल इसमें डाल दिया हूँ। अब इसमें बीज डालूँगा। इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके बाहर से 3 इंच छोड़ के अंदर डालना है, और बाहर से 3 इंच या 2 इंच छोड़कर अंदर डालना है, और एक दूसरे से 3 इंच करके गैप रखना है इस तरह से। बीज बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस तरफ छोटे छोटे करके आप रख दीजिएगा। यह है मेरा बेसन जो चना पाउडर होता है, आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो जो आटा का जो चकड़ा होता है इसको भी आप डाल सकते हैं। वो नहीं मिलेगा तो आप जो मक्का है, मक्का पाउडर यानी कॉर्न फ्लावर, इसको भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है बेसन। तो मेरा एक लेयर हो गया है, फिर मेरे को दूसरा लेयर डालना है इसमें। तो नीचे का जो बंडल जिस तरह मैंने करके रखा था इसको उल्टा करके रखूँगा। इसको अभी इसको इस तरफ करके रखूँगा, मतलब ये जो बंडल जिस तरफ करके डाला था इसको फिर उल्टा करके मेरे को डालना है इस तरफ। आप जितने भी लेयर डालेंगे उतना लेयर में हर बंडल एक दूसरे से उल्टा उल्टा करके रखना है, और आपको बीच बीच में दोनों हाथ से इसको दबा देना है। फिर इसमें बीज डाल दिया। अब इसके ऊपर फिर से मेरे को बेसन देना है। बेसन डालने का मतलब ये है मेरा जो स्पर्म है ये अच्छी तरह से चारों तरफ फैल जाए, फैलने के लिए ये बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। ये अभी तीसरा लेयर कंप्लीट हो गया है, मेरे को अभी चौथा लेयर डालना है।
अभी मेरे को क्या करना है कि इसमें जो बीज डालता हूँ तो इसको थोड़ा बीच में भी डाल देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मशरूम है वो ऊपर में भी आता है, इसलिए मेरे को इसका बीच में डालना है यहाँ पे, क्योंकि इसका ऊपर और लेयर में नहीं डालूँगा, ये मेरा लास्ट लेयर है। ये बेड का दोनों साइड बराबर होना चाहिए। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो ऑल वाली नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाकर मेरी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले बिना किसी देर की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसका ऊपर अभी मेरे को एक या दो बंडल इसका ऊपर बिछाना है। इसके ऊपर पतला पतला सा करके मेरे को इसको ढक देना है। ये जो बीज है इस बाहर नहीं दिखना चाहिए, अगर बाहर दिखेगा तो मेरे को दूसरा फंगस का अटैक हो सकता है इसमें। ये बंडल को भी मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर पतला पतला सा करके बिछा देता हूँ। अभी इसको मैंने अच्छी तरह से दोनों हाथ से साइज कर देता हूँ और दबा देता हूँ। ये जरा अगर फिसल जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बांध देता हूँ। नहीं बांधेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों 100 रुपये के आसपास खर्चा करके आप 1 किलो मशरूम उगा सकते हैं। 1 किलो मशरूम का जो मार्केट वैल्यू है अभी 200 से 250 रुपया। उसी तरह से अगर आप हर दिन 8 से 10 बेड लगा देते हैं तो 8 से 10 किलो मशरूम पर डे आपको मिलेगा। अगर 8 से 10 किलो मशरूम को आप बेचने जाएंगे तो आपको कम से कम 2000 रुपये मिलेगा। 2000 रुपये में से आपको 1000 रुपये निकाल देना है, फिर आपको 1000 रुपया बचेगा। अगर घर में आप इसी बिजनेस के तौर पे आप मशरूम उगाना चाहेंगे तो आपको महीना में जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। कम से कम तो आप महीने में 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। अभी मैं इसको ढक देता हूँ अच्छी तरह से। ये जो पॉलीथीन है ये पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए और वाइट कलर का होना चाहिए। इसको मैंने अच्छी तरह से ढक दिया। 7 दिन के बाद इसको मैं अभी खोल देता हूँ। 7 दिन के बाद इसको आप पर डे 1 घंटा आधा घंटा के लिए इसको खोल देना है। इसका ऊपर से पॉलीथीन हटा देना है और फिर से आधा घंटे के बाद इसको ढक देना है। पूरे दिन भर इसको खुला में रखना नहीं चाहिए। इसमें देखिए कितना फंगस अच्छी तरह से चारों तरफ फैल गया है। यही आगे जाकर मशरूम बनेगा। इसको अभी मैंने फिर से ढक दिया आधे घंटे के बाद। उसी तरह से आप भी पर डे आधा घंटा 1 घंटा के लिए खोलिए। ये 9 दिन के बाद देखिए कि छोटा छोटा मशरूम लगना शुरू हो गया है इसमें। यहाँ देखिए छोटे छोटे मशरूम इसमें लगना शुरू हो गया है। ये 10 दिन के बाद देखिए इसमें कुछ छोटे छोटे जो मशरूम लगा हुआ था ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी ये बेड में थोड़ा पानी का कमी है, मतलब सूखा सूखा सा बेड लग रहा है। इसमें थोड़ा मेरे को पानी स्प्रे करना है। अभी इसके ऊपर मैंने थोड़ा पानी स्प्रे कर देता हूँ, नहीं तो ये जो मशरूम छोटे छोटे से लगा हुआ है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ज़्यादा भी इसमें स्प्रे नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे करना है। अगर ज़्यादा भी स्प्रे कर देंगे तब भी वो नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं।
एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप मशरूम का पेड़ लगाते हैं तो ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगना चाहिए, कोई पेड़ के नीचे या किसी छाव जगह में इसको रखना है। अब 11 दिन का बाद देखिए, इसमें जो छोटा छोटा मशरूम लगा हुआ था वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी देख रहे ये जो बेड, ये अभी थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है, इसमें अभी फिर से पानी स्प्रे करना है। जब भी आप देखेंगे कि मेरा जो बेड है इसमें थोड़ा पानी स्प्रे करने का ज़रूरत है, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी स्प्रे करना। 13 दिन के बाद देखिए ये जो मशरूम मेरा मैच्योर हो गया है, ये मशरूम और थोड़ा बड़ा होगा, तब तक के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। दोस्तों मेरे जो बताए हुए टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो उसी तरह से आप भी मशरूम उगा पाएंगे। अब ये तोड़ने का टाइम आ गया है, इसको अभी मैं तोड़ लेता हूँ। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा।